बजट से काफी उम्मीदें थी और उनकी झोली भर गई है। सरकार इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा दी है और आयकर छूट पर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 2.5 लाख तक आमदनी वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर 5% टैक्स का प्रावधान है। 5 से 7.50 लाख रुपए तक आमदनी वालों को अब 10% टैक्स देना होगा, जिसे अब तक 20% देना होता था। जिनकी आमदनी 7,50,000 से 10 लाख रुपए तक है, उन्हें अब 15% टैक्स देना होगा। 10 से 12,50,000 रुपए तक आमदनी वालों को 20% टैक्स देना पड़ेगा, जिसे अब तक 30% देना पड़ता था। और ये हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। 0 से 5 लाख की कमाई पर टैक्स नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें होंगी। शर्तों के महत्व ये टैक्स स्लैब काम करेगा और साथ ही साथ 5 लाख से 7.5 लाख की कमाई पर 10% का आपको टैक्स देना होगा। और कई शर्तें ऐसी हैं जिसमें जिसके तहत उन शर्तों को जब आप पूरा करते हैं तो आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, जैसे LIC की पॉलिसी, बच्चों की ट्यूशन फीस, बच्चों की स्कूल फीस, घर का किराया। अगर ये रियायतें आप लेते हैं तो आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल टैक्स स्लैब जो है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने लाख से कितने लाख तक की कमाई पे आपको कितने प्रतिशत टैक्स देना होगा या कितनी छूट मिलेगी आपको। और नरेंद्र मोदी सरकार